आयला क्या हुआ तुम्हें? ओह, वहाँ के खाने की वजह से तबीयत खराब हो गई है मेरी। मैंने आज तक इतना बड़ा सैंडविच नहीं देखा। ऐसा पॉसिबल नहीं है वैसे, ऐसा हो नहीं सकता। फ्रेश मीट इस्तेमाल करता है वो। ये अभी तक खाने की ही बात कर रहा है। क्या आखिर हो क्या रहा है? कहो तो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, मैं घर जा रही हूँ। सिनान घर पे होगा? मालूम नहीं, लाइट्स तो बंद है। ठीक है, मैं ऊपर ले जाता हूँ, अकेले नहीं जाऊँ। ज्यादा खाने से ऐसे तबीयत खराब हो जाती है। चुप हो रहे हो या नहीं वरना मार डालूंगी मैं तुम्हें। रुकिए डॉक्टर साहब, मेरा मतलब आप जरूर सोच होंगे कि इस बैग में मैं आखिर क्या ले जा रही हूँ। जब आपने मुझे कॉल की तो उस वक्त मैं अपने नाइट ड्रेस में थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं उसी ड्रेस में यहाँ आ गई। नैना, ऐसा क्यों सोचूंगा आखिर मैं? तुम क्यों इतना अजीब बिहेव कर रही हो? हाँ? अब घर जाओ और आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। ओके, गुड नाइट। हाँ, मुझे मालूम करना होगा कि इसने मुझे पहचाना या नहीं पहचाना। डॉक्टर साहब एक मिनट रुक जाइए। अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर सकती हूँ अपनी गाड़ी में इस वक्त। वेल, ऑनेस्टली कहूँ तो ये बहुत अच्छा होगा क्योंकि इस वक्त मैं बहुत ज्यादा थका हुआ। अगर तुम थोड़ा वेट कर सको तो मैं कुछ पेपर साइन करके आता हूँ, फिर चलते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल वेट कर सकती हूँ मैं। और वैसे भी उस बारे में हम रास्ते में बात कर सकते हैं। किस बारे में? मेरा मतलब कि नेचर के बारे में, जैसे फूल, पौधे, परिंदे वगैरह। ठीक है नैना, हम घर जाते हुए परिंदे, दरख्त, जानवर सब के बारे में बात करेंगे। ओके ओके। तुम तो वही हो ना, छोटी सी चीज। मैं छोटी सी चीज नहीं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिंस और प्रिंसेस को साथ रहना चाहिए। अब चलो, मैं तुम्हें उसके पास ले जा रहा हूँ। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मैं कोई प्रिंसेस प्रिंसेस नहीं हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, तुम एक प्रिंसेस हो। तुम चलो मेरे साथ। अब देखो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो बहुत। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे छोड़ दो वरना इंजेक्शन लगा दूंगी मैं तुम्हें। इंजेक्शन? तुम मुझे इंजेक्शन लगाओगी? गंदी प्रिंसेस हो। इस बच्चे को देखो जरा, ये बच्चा नहीं बहुत बड़ी आफत। नैना उठो। हाँ चलो, जल्दी करो, शाबाश। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने क्या किया था जो उस बच्चे ने ऐसा किया? मैंने कुछ नहीं किया, यकीन करो। वैसे तो तुम जानते हो कि मेरी बच्चे से दोस्ती हो जाती है, लेकिन ये बच्चा दूसरे बच्चों से काफी मुख्तलिफ था। जी कोई शक नहीं इस बात में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम समझ रहे हो कि मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ? मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी? हम तो एक ही जगह पे काम करते हैं, मैं तुमसे कुछ छुपा के क्या करूंगी आखिर? तुम मुझे ऐसा क्यों समझ रहे हो? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ज्यादा तंग नहीं करो मुझे। देखो आज का दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अगर तुमने मुझसे मजीद सवालात किए तो मैं यहीं रो दूंगी, और एक दफा अगर मैं रोना शुरू कर दूं तो मुझे चुप करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन कि तुम भी परेशान हो जाओगे। इसलिए प्लीज मुझे मजीद तंग मत करो। नैना काम डाउन। देखो हमारा अब यहाँ कोई काम नहीं, इसलिए चलो अब। ओके गाइस, खुदा हाफिज। ओके खुदा हाफिज। उफ, बाजिल, वॉमिट के बाद कुछ बेहतर हूँ। आई कैन सी। आराम से। मुझे दर्द हो रहा है बहुत। फिक्र नहीं करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेट जाओ। अब कैसा फील कर रही हो? कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, बहुत प्यास लगी है मुझे। पानी देता हूँ। ओके। लो। थैंक यू। यही हूं मैं जब तक सिनान नहीं आ जाता। कुछ चाहिए हो तो आवाज दे देना। ठीक है ना? सो नाइस ऑफ यू। इट्स ओके। जैसी घर में एंटर होंगी सबसे पहले टीवी ऑन करूंगी और सुकून से सो जाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? दरअसल वो क्या कहने की कोशिश करूंगी मैं, वैसे तुम्हारी कॉल आने से पहले जो मैं कर रही थी अभी भी वही जाके करूंगी मैं। बस टीवी ऑन करूंगी और सो जाऊंगी जाके। नैना, हैव अ गुड नाइट। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कॉस्ट्यूम पहनो या नाइट ड्रेस। ठीक है, अब जाओ अपने घर। को
कॉस्ट्यूम कहा यार? जरूर उसे मालूम हो गया कि उस कॉस्ट्यूम में मैं ही थी, इसलिए तो उसने जाते हुए कॉस्ट्यूम का जिक्र किया। ओह, देखो मैं अपना कॉस्ट्यूम गाड़ी में ही भुलाई। उफ नैना, तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता यार। बाज़िल, ये बताओ तुम इतनी रात मेरे घर पर क्या कर रहे हो? मुझे लगा कोई चोर है, हद होती है यार। एक मिनट, वैसे इतनी रात तुम्हारा मेरे घर पर आकर क्या काम? पहले तो जरा तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे मारने क्यों वाले थे? मुझे लगा कि कोई चोर घुस गया। अपनी जगह पर तुम ठीक हो, लेकिन आई एम सॉरी, मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि किस लिए? मैं यानी कि हम बाहर थे, मेरा मतलब। बाज़िल, मुझे साफ साफ बताओ प्लीज। आयला ने और मैंने खाना खाया बाहर से, फूड पॉइजनिंग हो गई उसे। उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाह रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। मुझे घर आई और वॉमिट करती। मुझे लगा जब तक तुम नहीं आ जाते मैं एहतियातन रुक जाता हूं, बस। तो सिर्फ यही वजह है? हाँ, बस यही वजह है, और क्या होगा? तुम नहीं थे यहां तो अकेला छोड़ देता। ओके, अब क्या कह सकता हूं। थैंक यू सो मच उनका ख्याल रखने के लिए। ऑफ कोर्स, ख्याल तो रखना था, यानी मेरी जगह कोई और भी होता तो यही करता। अगर जल्दी नहीं है तो साथ कॉफी पीते हैं। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ। मैं जब तक जाके जरा अपनी बहन को देख लूं कैसी तबीयत है उसकी। डोडो, आ गई मैं। आई डोडो, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ है। देखा डोडो, आई कम से कम ये सामान ही उठा लेते, तुम सारा दिन घर पर बैठे थे यार, किसी काम के नहीं हो तुम तो। क्या ये भी मुझे करना होगा अब? मेरी मदद कर लिया करो यार। ठीक है परेशान मत हो, मैं कर लूंगी ये सब, तुम जाओ। आई चलो उठने की कोशिश करती हूँ मैं, इससे उठाती हूँ। यार डोडो, आज पूरा का पूरा दिन मेरा बर्बाद हो गया है। चलो आओ यहाँ बैठो, तुम भी आराम कर लो मेरे साथ। तुम जानते हो डोडो, मैं आज कॉस्ट्यूम पहनकर पार्टी में गई थी। तो फाइनली आज मैं पार्टी में चला ही गया। वैसे मैंने तुम्हें वहां देखा नहीं। तुम देखते भी कैसे, वहां इतना रश था, मैं किसी को नहीं पहचान सका। तो तुम कैसे पहचानते मुझे? कोई सुपरमैन बना हुआ था तो कोई बैटमैन, कोई स्पाइडरमैन, और पता नहीं क्या क्या बने हुए थे वहां पर। तो यार चुड़ैल से लेकर प्रिंसेस तक। वहां एक प्रिंस भी था, वो सफेद ड्रेस में इतना हैंडसम लग रहा था कि क्या बताऊं तुम्हें। और वो प्रिंस डॉक्टर सिनान था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। खामोश क्यों बैठे हो, प्लीज मेरी मदद करो। वैसे भी तुम मेरी मदद क्यों करोगे, तुम्हें तो सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती, सारा दिन सोते रहते हो। वो लड़की कुछ अलग ही थी, प्रिंसेस के कॉस्ट्यूम में प्रिंसेस लग रही थी बिल्कुल। यार इतनी खूबसूरत थी कि बस क्या बताऊं मैं तुझे। दिल फेंक सिनान एक्टिव था वहां या नहीं? यार ऐसी बात नहीं है, मतलब वो बहुत मुख्तलिफ थी यार, जैसे कि कैसे समझाऊं मैं, उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट कुछ अलग ही थी, जैसे वो इस दुनिया की ही ना हो। बाज़िल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मतलब मैंने ऐसे पहले कभी महसूस नहीं किया। तुम ये आखिर कैसे कह सकते हो ये प्यार है? हद है यार, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और मैं प्यार नहीं करती उससे, बिल्कुल नहीं करती। मुझे बस एक बात से डर लगता है, वो ये कि मैं उससे जब बात करती हूं तो उसकी आंखों में बिल्कुल नहीं देख पाती। वो लड़की तो मेरे दिमाग से ही नहीं निकल रही यार। यानी मामला बहुत सीरियस है यार। तो तुमने बात की उस प्रिंसेस से, कुछ है तो बताओ। यार वो बहुत ही पुरेसरारती, उसने तो अपना नाम तक नहीं बताया मुझे। फिर मैंने कहा कि अपना नाम तो बता ही सकती है, अगर मैं हमारे लिए ड्रिंक लेकर आऊं तो शायद उसके बाद क्या पता मुझे अपना नाम बता दे। क्या ख्याल है? उसने सर हिलाया तो मैं फौरन ड्रिंक लेने चला गया, लेकिन बैडलक के हॉस्पिटल से कॉल आ गई कि इमरजेंसी है, आप जल्दी पहुंचे। तो एक तरफ वो प्रिंसेस थी और एक तरफ मेरा फर्ज, तो मैंने फर्ज मुंतखब किया। और उसके बाद
प्रिंसेस वहीं खड़ी रह गई और हमारी कहानी थी। दिल छोटा नहीं करो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो। असल में हाँ, मुझे हमेशा से तुम्हारी तलाश थी और आज तो मुझे मिल गई और अब मुझे अपनी जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा। तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश हो। डोडो कौन आ गया है इस वक्त? हाँ आ गई भाई, आ गई। डोडो तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने डॉग रखा हुआ है? हाँ डोडो, ये आयला, आयला ये डोडो। हाय डोडो, अच्छा लगा तुमसे मिलके। तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ और हमारे साथ ब्रेकफास्ट पे चलो। दरअसल वो मैं माजरत चाहती हूँ तुमसे, बुरा ना मानो तो मैं आराम करना चाहती हूँ। मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी और तुम्हें पसंद आएंगी। हाँ मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ बिल्कुल भी, और वैसे भी डॉक्टर सिनान को सुबह सुबह गुस्सा नहीं दिलाना चाहती मैं। ऐसे मत कहो, वो घर अब मेरा भी है नैना। डोंट से दैट अगेन, ओके? चलो ठीक है, मैं आती हूँ। डोडो को नाश्ता देकर मैं फौरन आती हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? ठीक है तो फिर मैं इंतजार करूं। डोडो नाइस टू सी यू, टेक केयर एंड गुड बाय। डोडो डोडो अंदर चलो। शाबाश। डोडो के लिए क्या बनाऊं? देखती हूँ। चलो डोडो अंदर चलो। चलते रहे हम यूं ही, चलते रहे कुछ न कहाना सुना। यहाँ तो मुझे समझ मैं चाहूं तुझे पहले क्या एक कम थी जो दूसरी भी आ गई। देखो इन आँखों में तुम, कहती है तुमसे ये क्या कभी अब होना जुदा। अरे देखो मेरा शहजादा भाई उठ गया। देखो नैना मेरा भाई सुबह सुबह भी कितना हैंडसम लग रहा है। लेकिन सुनान मेरी बात सुनो, कितनी मुश्किलों से प्याज कट रही है, जाओ जाके नई नाइफ लेकर आओ। ये सुबह सुबह प्याज क्यों काट रही है, वो भी मेरे घर में? ऑमलेट बना रही हूँ। लेकिन क्यों, क्या मैंने कहा है तुमसे बनाने के लिए? हाँ? तुम बहुत ही रूड हो सिनान, वो ब्रेकफास्ट बना रही है तुम्हारे लिए, तुम उसे डांट रहे हो, बुरी बात। यार वो मेरा फ्रेंच प्रेस कहाँ चला गया? आपको कितनी बार कहा है कि मेरी चीजें इधर उधर मत किया करे, कहाँ गया वो? चीख क्यों रहे हो सुबह सुबह? ये क्या किया इसके साथ? यार मैं इसमें अपनी कॉफी बनाता हूँ, ये क्या डाल दिया इसमें? कितनी गंदी स्मेल आ रही है, ओह गॉड। देखो सिनान तुम्हें कॉफी नहीं पीनी चाहिए, ज्यादा कॉफी पीने से तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, जानते हो? इससे तुम्हारी नींद भी उड़ जाएगी और तुम्हें बहुत गुस्सा भी आएगा। आयला तुम बिल्कुल सही कह रही हो, एक दिन मैंने सुबह उठकर कॉफी पी और जानती हो मैं बुरी तरह कपकपाने लगी। तो तुम कपकपाने लगी? हाँ हाँ बिल्कुल कपकपाने लगी मैं, और फिर मुझे लगा कि मुझे कैंडी खा लेनी चाहिए। तो फिर तुमने कैंडी खाई? हाँ बिल्कुल। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना है, कैंडी खाते ही मेरी तबीयत संभल गई। क्या बात है, जानती हो नैना कुछ सालों बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? तुम्हें एक खास जगह बनाकर उधर कैद कर दिया जाएगा ताकि दूसरे तुम्हारे पागलपन से महफूज रहे। रुको 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 रुको, वो ग्लास रखने की जगह नहीं, जहाँ से इसे उठाया वहीं पर रखो। जो चीज जहाँ से उठाई जाती है उसे वहाँ रखना भी जरूरी होता है, समझे? आइंदा ये बात तुम मत भूलना। ये क्या मजाक है? हाँ ये सुबह सुबह क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ? ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, मैं कॉफी पीऊँ या फिर पानी पीऊँ और उसको पीने के बाद उसे धोऊँ या ना धोऊँ, कोई मेरे ऊपर किसी किस्म का ऑर्डर नहीं चला सकता, आई समझ? देखो गौर से सुनो, इस घर के तीन उसूल हैं। पहला, मेरे घर में सुबह सुबह कोई गाना नहीं गाएगा। दूसरा, मेरे फ्रेंच प्रेस में किसी भी किस्म की कोई जड़ी बूटियां नहीं डाली जाएंगी। और तीसरा, अगर तुम दोनों यहाँ ना होती तो इस वक्त मैं सो रहा होता सुकून से। और ये जो तीसरा रूल है ये बिल्कुल ठीक नहीं। क्या मैं ऑमलेट में सॉसेजेस डालूं? जरूर, जो तुम्हारा दिल चाहे वो सब डालो, मगर उसके साथ थोड़ा जहर भी।
गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बेटी। मेरी बेटी नहीं, मेरी प्रिंसेस। ओह आई एम सॉरी, मेरी प्यारी प्रिंसेस, क्या मुझे माफी मिल सकती है? हाँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, सॉरी। ओके चलो अब हम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मेरी प्रिंसेस को भूख लग रही होगी। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं आज कौन जीतता है। हिट करो। हाँ हाँ, ये क्या, मैं तो हार गया तो अब मुझे छीलना पड़ेगा आपके लिए से। बहुत बहुत शुक्रिया। Enjoy your meal. चलो फिर हॉस्पिटल में मिलते हैं। तुम्हें कुछ पता भी है? हाँ? ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही है और ये गैसेस हर तरफ हम सबकी सेहत मुतासर हो रही है, तमाम लोग इतना बीमार हो रहे हैं, तुम्हें जरा भी अंदाजा है इस बात का? ये सुबह सुबह क्या समझाना चाह रही हैं आप? यहाँ सुबह की बात नहीं हो रही, बात हो रही है इस वक्त की कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? ये जो मेरा छोटा भाई है ना, ये सिर्फ 2 साल का फर्क है, मैं इतना भी छोटा नहीं। बात 2 साल छोटे की नहीं, तुम मुझसे छोटे हो, दैट्स इट। क्या तुम भी इसी की तरह हो? तुम्हें भी अपने इर्द गिर्द कुछ दिखाई नहीं देता, बताओ। मुझे एहसास है, मैं कभी भी डस्टबिन के अलावा कहीं और कचरा नहीं फेंकती। ऐसा क्यों देख रही है? कहें तो रोड से कचरा चुनना शुरू कर देता हूँ, यही रह गया। बात यहाँ कचरा साफ करने की नहीं हो रही, हम तीनों एक ही जगह जा रहे हैं तो 2 गाड़ियाँ क्यों इस्तेमाल करें, बताओ मुझे। तो ठीक है, आ जाए, बैठ जाए मेरी गाड़ी में। हरगिज नहीं, तुमने अपनी गाड़ी की हालत देखी, हम इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हम उसमें जाएंगे। क्यों? वो कितनी क्यूट है। हाँ बहुत क्यूट है, लेकिन जितनी क्यूट है उससे ज्यादा खतरनाक भी। ठीक है आपा, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, हम इसी गाड़ी में चले जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, गाड़ी मैं चलाऊंगा। मगर क्यों? क्या मतलब, क्या तुम भूल गए कि लास्ट टाइम हम मरते मरते बच्चे थे और मेरी जिंदगी बहुत कीमती। अगर मेरी शर्त मंजूर तो मैं चलता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, चाबी दो। मैं पीछे बैठ जाती। ओह ऐसा नहीं हो सकता, मैं पीछे बैठू? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेहमान हो। मेरी बात मानो, मैं आगे बैठती हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आगे बैठ जाती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना, जरा आराम से। पापा प्लीज ना जाए ना। मगर बेटा मुझे जाना पड़ेगा ना, मैं नाराज हो जाऊंगी। नूर, अगर बाबा हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो पेशेंट्स कौन देखेगा? आप हमेशा देखते हो पेशेंट, आज कोई और देख लेगा। अच्छा चलो एक डील करते हैं हम, अभी आप मुझे जाने दो और फिर हम रात को पेंटिंग करेंगे साथ मिलके। अम्मी दोबारा से आ जाएंगी मुझे लेने, मैं अम्मी के साथ नहीं आपके साथ रहूंगी। देखो आपकी अम्मी बहुत प्यार करती हैं आपसे, शायद मुझसे भी ज्यादा। अच्छा आपको कार्टून्स पसंद है ना, तो फिर क्यों ना हम रात में मिलके कार्टून्स देखें। आपकी फेवरेट कार्टून सीरीज? प्रॉमिस। प्रॉमिस ठीक है। एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन एंटी एजिंग, पर मुझे इंडिया में एक आदमी मिला था जो कि वहाँ के जंगलात की कॉटेज में अकेला रहता था, और वो वहाँ रहते हुए अजीब तरह की घास को जमा करता था और फेस पे लगाने वाली बहुत अच्छी क्रीम बनाता था, और वो क्रीम कोई इतनी जबरदस्त होती थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। देखो देखो मेरे फेस पे हाथ लगाओ, यहाँ। हाँ, तुम्हारी स्किन तो बच्चों की तरह बिल्कुल नरम और मुलायम है, इसीलिए तो मैंने खरीदी है। चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी मंगवा सकती हूँ। हाँ जरा महंगी है, मगर आयला मैं अभी नहीं खरीद पाऊंगी क्योंकि अभी तक सैलरी नहीं मिली और शिफ्टिंग भी अभी की है मैंने। ओहो ऐसे क्यों कह रही हो, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए ये क्रीम मंगवा दूंगी। तुम बस वो तुम ये इतना हॉर्न क्यों बजा रहे हो? तुम लोगों के लिए हॉर्न बजा रहा हूँ, चुप क्यों नहीं हो जाते तुम लोग? अब हम इतना ज्यादा भी नहीं बोल रहे। तुम एक सेकंड के लिए भी चुप होती हो? मेरे सर में दर्द करके रख दिया, बोले जा रही हो मुसलसल बिना कोई वक्फा लिए, एक ऑटोमेटिक राइफल की तरह धड़ 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 धड़। अब तुमने एक लफ्ज भी कहा तो गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। पर रसूलन तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या मतलब सिनान, तुम शायद ये भूल गए हो कि ये गाड़ी मेरी है। लेकिन गाड़ी इस वक्त मैं चला रहा हूँ और मैं जो चाहे करूंगा, और मेरी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा इस गाड़ी। अब चुप हो जाओ, एक लफ्ज है, हॉस्पिटल पहुँचने तक कोई नहीं बोलेगा।
बॉय। क्या क्या हुआ, क्या कोई मसला है? हाँ मसला है, तुम काफी देर से मुझे देख रही हो और हंस भी रही हो। क्या मैं? हाँ। नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। हाँ, तबीयत खराब होना क्या गलत बात है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। बाकी ये पट्टी अच्छी लग रही है तुम पर। हाँ पट्टी अच्छी लग रही है मुझ पर। काम करो अपना, हद होती है हर बात की। माफी मांगने के बजाय तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम पर। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है तुम में यार। गुड मॉर्निंग थाके हुए सिपाही। गुड मॉर्निंग। ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? गुड मॉर्निंग सुमन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। कल रात पार्टी में जाने की वजह से तबीयत जरा से खराब हो गई है मेरी। डॉक्टर, सुबह से सर में दर्द हो रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कोई हथौड़ी मार रहा है, बहुत बुरी तरह। बड़े अजीब आदमी हो यार। बिल्कुल आपकी तरह डॉक्टर बादल। क्या डॉक्टर, मेरे कहने का मतलब आप माशाल्लाह बहुत ही तंदुरुस्त हैं। बस ठीक है, समझ गया। कुछ जानना चाह रहा था तुमसे। आयला को देखा है तुमने? वो मैंने नहीं देखा डॉक्टर आयला को। चलो इट्स ओके। सुमैया तुमने देखा है उसके? नहीं डॉक्टर, मैंने भी नहीं देखा उन्हें। अच्छा वाकई? ठीक है कोई बात नहीं। हैव अ गुड डे, सी यू। हद होती है यार, ये अभी तक हंस रही है। डॉक्टर सिन्हान, मुझे एहसास हो गया कि तुम बिल्कुल ठीक थे। ये बिल्कुल असूलों के खिलाफ है। ट्रैवलिंग के दौरान इतनी बातें नहीं करनी चाहिए थी हमें। जो ड्राइव कर रहा हो उसका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, कोई हादसा भी पेश आ सकता है। और हम ये बात भी जानते हैं कि गाड़ी में तो सॉन्ग्स वगैरह भी सुनना मना है। हाँ नैना, मना है। और अब तुम्हें सब कुछ मना है, समझ में आई तुम्हें? यार ये लड़की अब भी बोले जा रही है, दिमाग खराब कर दिया मेरा। अब क्या गलत कर दिया मैंने? ओहो नैना, आखिर तुम्हें इतना बुरा मानने की क्या जरूरत है? अपने आप को इसका आदि बनाओ और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ऐसे एक्सरसाइज किया करो, इससे नेगेटिव एनर्जी तुमसे दूर रहेगी और इससे तुम ज्यादा फ्रेश और यंग भी महसूस करोगी। आयला, तुम्हें को ढूंढ रहा था। गुड मॉर्निंग टू यू टू बाजिल। क्या सॉरी, जब मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा होता तो भूल जाता हूँ बहुत सारी चीजें। एनीवे गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? क्या नो, मैं बस सोच रहा था कि कल रात तुम्हारी तबीयत खराब थी तो अब कैसी हो? हाँ तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं काफी बेहतर हूँ। बेहतर हो? मुझे लगा अच्छा फील नहीं कर रही होगी क्योंकि कल रात काफी ज्यादा खा लिया था शायद। एक मिनट, अगर मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाह रही तो क्या तुम मुझ पर इस तरह से हंसोगे बाजिल? मैं उस हाल में भी तुम्हारी वजह से गई थी क्योंकि तुम मुझे खराब रेस्टोरेंट लेके गए थे। तो इसमें मेरा कसूर है? मैंने भी तुम्हारे साथ खाया, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारा स्टमक ही खराब होगा। क्या हुआ मेरे स्टमक को? मेरा स्टमक तुमसे लाख दर्जे बेहतर है। तुम्हारे स्टमक की तरह इसमें कचरा नहीं भरा हुआ। इस किस्म की लड़की है यार। ठीक है ठीक है नुमान, ठीक है। हाँ समझ गया मैं, सब कुछ संभाल लूंगा। मजीद परेशान मत करो मुझे, वैसे ही सर में दर्द है मेरे। हाँ तो डॉक्टर सिन्हान, कल की रात कैसी गुजरी आपकी? अच्छी रही मलिक। पार्टी में क्या बने हुए थे आप? फिलिन स्टोन। इसका मतलब आप आए थे वहाँ? आया था मगर ज्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर बाद चला गया था वहाँ से। हाँ जानते हैं, कल की पार्टी देख के हैरान हो गया था मैं। वहाँ पर कोई सुपरमैन बना हुआ था, कोई बैटमैन, और कोई तो पागलों की तरह झूम रहे थे। मुझे देख के बहुत हंसी आ रही थी। वैसे आपकी रात कैसे गुजरी डॉक्टर नैना? मैंने ये पूछा कि कल की रात आपकी कैसे गुजरी। कैसी गुजरनी थी? नॉर्मल गुजरी है बिल्कुल, और हमेशा की तरह कल रात भी घर पर ही थी मैं। ये तो अच्छी बात है। डॉक्टर, रूम नंबर 3 में आपका पेशेंट रेडी है। ओके। ये कल वाले केस की तरह नहीं है मगर उसे कहीं ज्यादा दिलचस्प है, खुद देख लीजिए। हाँ हाँ, तभी तो तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैंने अपनी आंखों से देखा है, झूठ क्यों बोल रहे हो मुझसे? आखिर तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? आसले मैं तुम्हें कितनी दफा बताऊं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आखिर तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? झूठ मत बोलो मुझसे, तुमने जो कुछ किया है वो मैं अच्छी तरह जानती हूं। क्या किया है मैंने, बताओ मुझे। और तुम मुझे खींचना बंद करो। मैं तुम्हें नहीं खींच रहा हूं। तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तुमने मुझे परेशान करके रख दिया है, ये करने से पहले सोचा था? इसकी वजह मैं हूं? हां इसकी वजह तुम ही हो। हम एक दूसरे से चिपके हैं, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। आप दोनों प्लीज रिलैक्स हो जाएं। असले समझ नहीं आ रहा तुम इतनी बड़ी हिमाकत कैसे कर सकती हो। ये लोग कैसे रिलैक्स हो सकते हैं? वो सही है, मुझे कुछ नहीं सुनना। थैंक यू कि तुमने मुझे बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। आखिर ये हुआ कैसे होगा?
तुम पागल तो नहीं हो? क्या दिमाग खराब हो गया? हाँ हो गया तो? आसले देखो प्लीज मुझे गुस्सा मत दिला। रिलैक्स हो जाओ। अच्छा नहीं होगा, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। क्या आप लोग मेरी बात सुनेंगे? मैं समझा रहा हूँ, खामोश हो जाओ। तुम मुझे पागल कर दोगी, फॉर गॉड्स सेक आसले खामोश हो जाओ। मैं पहले ही परेशान हूँ। टेस्ट रिजल्ट्स नॉर्मल है, ब्लड सैंपल में भी कोई मसला नहीं, मगर हमें एहतियात करनी होगी। ठीक, मैं डिटेल में बात करूंगा। आयला मुझे बात करनी है तुमसे। अरे रुको तो। बोलते रहो, सुन रही हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हें लंच पर इनवाइट करना चाहता हूँ, कल की गलती की तलाफी के लिए। तुम तकरीबन मुझे जहर दे ही तो चुके थे। अरे उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया था। अगर कहो तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट चले, चलोगे ना? चलो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बताओ क्या शर्त है। डॉक्टर आयला यहाँ पर साइन कर दीजिए। ओके अब बताओ। वो ये कि जगह मैं पसंद करूंगी, जगह बहुत साफ सुथरी और क्लासी होगी, तभी जाऊंगी मैं। ठीक है, जहाँ चाहोगी वहाँ चलेंगे। वैसे भी तुम इन चीजों के बारे में मुझसे बेहतर जानती हो। मैं नैना और सिनान से भी कह दूंगा ताकि वो हमें ज्वाइन कर सके। सिनान और नैना? हाँ, हम चार हूँ, तुम मैं और वो दोनों। अच्छा होगा ना? ये तो बहुत अच्छा होगा। ब्रावो बाजिर, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। ऑलराइट, मिलते हैं फिर। अब क्या? फिर से ना। तुम्हें एहसास है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं? मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता। जाहिर है तुम्हारा मकसद जो पूरा नहीं। हाँ तो मेरा मकसद पूरा नहीं होता, लेकिन नहीं होता तुम बोलती रहो। नहीं, एक सेकंड, मेरी बात। सब एक जैसे। क्या मतलब? तुम सब मर्द। क्या कहना चाह रही हो? आसले तुम आखिर कितने लोगों को इस तरह ग्लू कर चुकी हो? जवाब दो मुझे। तुम ये किस तरह की फजूल बातें कर रहे हो? मैंने इस तरह से किसी के साथ नहीं मुझे किया। सच सच बताओ। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इस वक्त तुम्हें वाकई शौक में तुम जानती हो क्योंकि फाइनली कोई औरत है जो तुमसे भी ज्यादा बोलती है। नहीं कर सकती थी। अच्छा अब इसमें रोने की क्या बात है? इस औरत से बात करो और इन्हें हैंडल करो। काम डाउन है, मुझे फंसाने के बजाय जाके खुद हैंडल करोगे। यार मैं गया, मैंने संभालने की कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं संभाल रहा। अब तुम जाओ और जाकर बात करो, उसमें बुरा क्या? मैं कैसे संभालूंगी? यहाँ सीनियर तुम हो मेरे, और इनको रोकना तुम्हारा फर्ज बनता है। इसमें मसला क्या है? क्या तुम सब औरतें एक जैसी हो? मेरी तो समझ से बाहर है। आखिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम दोनों में से कोई नॉर्मल भी है या नहीं? वाह डॉक्टर सिन्हा, शाबाश। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम डॉक्टर होते हुए भी औरतों के लिए ऐसी सोच रखते हो। मेल्स और फीमेल्स को डिफरेंशिएट करना गलत। अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ? मैंने तो सिर्फ ऐसी एक बात की थी यार नैना। अब रहने दो, सफाई पेश मत। मुझे लगता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर तुमने मेरी ये हालत करके रख दी। मैं जवान था, मेरी उम्मीदें थी, मेरे ख्वाब थे, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अभी मैंने क्या गलत कहा? यही ना के जाके इस मामले को संभालो। एक औरत ही एक औरत से अच्छे से बात कर सकती। क्या कुछ गलत कहा मैंने? क्या तुम्हें हथियार पकड़ा के मैंने लड़ने को कह दिया था? क्या छत से छलांग लगाने को कहा? आखिर क्या कहा मैंने तुमसे? इतनी सी बात को इतना बड़ा पतंगड़ बनाना जरूरी था क्या? डॉक्टर जरा आराम से। मेरी बात सुने, ये केस काफी इंटरेस्टिंग है। मेरी बात गौर से सुने। अब जब सब रिलैक्स हो चुके हैं तो मुझे बताइए कि ये आखिर सब हुआ कैसे, ताकि मैं जितना जल्दी हो सके जरूरी इकदाम ले सकूं। अब बताओ सब इन्हें। तुम ही बता दो इन्हें। तुम ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। उफ, हद होती है। देखिए डॉक्टर साहब, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, हमारी आपस में नहीं बनती है। जब से आए हैं लड़े ही जा रहे हैं। अच्छा फिर आप सबको अंदाजा तो हो रहा होगा ना कि क्या कहना चाह रहा है। ये मुझसे ब्रेकअप करना चाह रहा था, तो फिर मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और ये भी गुस्से में जाके सोफे पर सो गया। और जब मैंने देखा कि ये गहरी नींद सो गया है, तो मैंने ग्लू से इसको और अपने आप को चिपका लिया। ये ग्लू कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है और आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी पावर होती है। तो आप ही बताएं कि मैं और क्या करती। ये सुबह उठता, अपना सामान पैक करता और मुझे छोड़कर चला जाता। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। नैना, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम बोलना बंद करो, समझ आई? मुंह बंद रखो अपना। सुमैया, जितना जल्दी हो सके इन्हें सेपरेट करने की प्रिपरेशन करें और मुझे बुला। मुझे से कोई अलग नहीं कर सकता। उफ मेरे खुदा। मैडम एक्चुअली आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा ऐसा, आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को जिस्मानी तौर पर एक दूसरे से अलग करूंगा, सिर्फ आप दोनों के जिस्म एक दूसरे से जुदा करूंगा। आसले प्लीज मेरी जान मत लो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। यार मैंने तुम्हें बताया ना, वो आदमी अपनी जिंदगी से बेजार है। अगर मैं उसकी जगह होता तो एक लम्हा बर्दाश्त ना करता। और तुम ये कैसे करते? उसने गिलों से उसे खुद से चिपका लिया। एक्चुअली तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे भी बताओ, मैं भी सुनना चाहूंगी। हम उस कपल की बात कर रहे हैं जो एक दूसरे से चिपके हुए चिपक गए।
जब उसने ब्रेकअप का सुना तो उस लड़की ने अपने आप को उससे चिपका लिया। ओह, बहुत बुरी लगती है मुझे ये बात। हाँ हाँ, मुझे भी। ये सारे मर्द होते ही एक जैसे हैं। कभी भी ये लोग औरत की फीलिंग्स को समझ ही नहीं सकते। तो हम ये बात कर रहे थे कि इस सबसे कोई फायदा नहीं। वो कैसे? क्या, क्यों नहीं हुआ फायदा? तुमने देखा नहीं वो लड़की उससे कितना प्यार करती है? वो उसे खोना नहीं चाहती बिल्कुल। उन दोनों को एक दूसरे को एक और मौका देना चाहिए। सुकून से बैठ के बात करें और गलत फहमियां दूर करें। अरे वो नहीं करेंगे, ऐसा कौन करता है? उसने ग्लू से हमला किया है उस पर। आखिर वो क्यों नहीं करेंगे? ये बात साफ है कि वो मोहब्बत करती है उससे। और ये बात कितनी बुरी है, वो कह कैसे सकता है कि चलो ब्रेकअप करते हैं? आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? वो थोड़ा बोर हो गया था और कुछ टाइम के लिए अकेले रहना चाहता था और कुछ नहीं। ये तुम मर्दों की फितरत में शामिल होता है अकेले रहना। हम ज्यादा बेहतर जानते हैं जब हम अकेले होते हैं। मर्द सारे एक जैसे नहीं होते यार, जो भी है, लेकिन हम ये सब आखिर डिस्कस क्यों कर रहे हैं? वो लड़का उस लड़की से कभी सुलह नहीं करेगा, ये साफ जाहिर है। मुझे लगता है सुलह हो जाएगी। तुम लोग हमसे शर्त लगाते, जो हारेगा वो डिनर बना के खिलाएगा। बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है, मगर शर्त हारने के बाद हमेशा की तरह रोना नहीं शुरू कर देना, आई समझ? मैं रेडी हूँ। ओके, तो लेट्स सी कि क्या होता है। देखते हैं। डॉक्टर, आपके पेशेंट रेडी हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन वो रिलैक्स हुए या नहीं? हाँ डॉक्टर, वो रिलैक्स हो चुके हैं। ओके, चलो नैना चल के पेशेंट्स को देखते हैं। चलो नैना। हारने के लिए तैयार हो जाओ। देख लेंगे। अच्छा, इन्हें पहले अलग तो करने दो हमें। रुको। ओ, आसले, अगर किसी ने मुझे से अलग करने की कोशिश की तो मैं उसको मार दूंगी। देखो, मैं अभी बता रही हूँ कि अगर हमें किसी ने अलग करने की कोशिश की तो मैं उसको मार दूंगी। तुम में से कोई नहीं बचेगा। मैडम, क्या आप एक मिनट के लिए काम डाउन नहीं हो सकती? आपके 5 साल की बच्ची नहीं है, आपको समझना होगा। उनकी मर्जी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकती। आपकी इन बच्चों वाली हरकत की वजह से वो प्रॉब्लम है। एक मिनट, हमें मिस आसले की मर्जी का भी ख्याल रखना चाहिए। और उन्होंने ये सब इसलिए किया है कि वो अपने रिश्ते को बचाना चाहती हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही कह रही है। मैं अपना हक इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। क्या कर रही हो आसले? देखो लग जाएगी, तुम्हें चोट ना लग जाए प्लीज। नहीं, मेरी चोट की फिक्र है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अभी टेंशन दोबारा स्टार्ट हो चुकी है, क्या करेंगे बताओ मुझे। तुमसे कुछ गलत कहा है। एक मिनट, कर देते हैं इन्हें सेपरेट। क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम चाहो तो हम शॉर्ट स्ट्रॉ के साथ कर सकते हैं, क्या कह लेने? नहीं, वो इस वक्त हम कहाँ से शॉर्ट स्ट्रॉस अरेंज करेंगे? देखो नैना, अपने मशवरे अपने पास रखो, क्योंकि कोई भी काम का नहीं। कम से कम मैं तुम्हें मशवरे तो दे रही हूँ, एटलीस्ट इसी बात का क्रेडिट दे दो मुझे। देखो, ये फालतू की बातें करना बंद करो तुम, और मेरी बात गौर से सुनो। अब हम पेशेंट्स को अलग करने वाले हैं, ठीक है? ठीक है। सुमैया, आप तैयारी करें, हम शुरू करने वाले। देखती हूँ कैसे शुरू करते हो तुम। मेरी बात गौर से सुनो, मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी। या तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी या अपने आप को खत्म कर लूंगी। इस अस्पताल से मेरी लाश जाएगी। क्या आप एक मिनट मेरी बात सुन सकती? देखिए, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर इस वक्त मैंने मदाखलत नहीं की तो आपको सारी जिंदगी अपने जिस्म पर स्कार्स के साथ रहना पड़ेगा। डॉक्टर सिनान बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये स्कार सारी जिंदगी नहीं जाएंगे। और हाँ, आप अपने फेवरेट ड्रेसेस भी नहीं पहन पाएंगी। क्या पसंद की ड्रेसेस नहीं पहन सकूंगी? तो फिर ठीक है, शुरू करें। क्या मतलब, तुमने इतनी आसानी से ये सब हल कर दिया? इतना मुश्किल नहीं था। अक्सर हमें चीजें जितनी मुश्किल लगती हैं उतनी होती नहीं है। हर मसले का हल होता है। फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप घर जाकर रेस्ट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा काम ना करें। ठीक है डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, यू टू, टेक केयर। आपका काम खत्म हो गया डॉक्टर? बस ये रह गया है, फिर मैं फ्री हूँ। तो फिर खाने के लिए चलें क्या? क्या तुमने सिनान और नैना को इन्फॉर्म कर दिया? नो, वो भी काम में मसरूफ है इस वक्त, लेकिन हाँ सुमैया और मलिक जरूर आएंगे। क्या? मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ हम दोनों ही चल रहे हैं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। जाहिर सी बात है बाजिल, ये काम बाद में भी हो जाएगा, तुम चाहो तो हम चलते हैं। एक्चुअली शायद हमें अभी चलना चाहिए। हाँ, लेडीज फर्स्ट। माय प्रिंसेस, इधर देखो, बताओ क्या हुआ है आपको? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? आपने मुझे इतनी देर इंतजार कराया, लेकिन आपको देखकर मेरा गुस्सा खत्म हो गया। अच्छा, तो आपने क्या किया मेरे बगैर? कुछ भी नहीं, बस मैंने आपको बहुत मिस किया, इसलिए पापा आपको देखने मैं हॉस्पिटल आ गई। मैंने भी बहुत मिस किया आपको मेरी जान। उसे लगता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा और वो अपनी माँ के पास नहीं जाना चाहती, और वो ये बात अपनी माँ के सामने भी शो करती है। समझ गया, और उसकी माँ को ये लगता है कि तुम नूर को उसके खिलाफ भड़का रहे हो, ऐसा ही है ना? ऐसा ही। देखिए मुराद साहब,
ये जो मसला है एक बहुत ही अहम मसला है और इसके लिए आपको अपनी वाइफ के साथ बैठकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, नहीं तो ये आपकी बेटी के लिए अच्छा नहीं होगा। आपके ख्याल से मुझे अपनी एक्स वाइफ से बात करनी चाहिए? जी बिल्कुल, मुझे इसी बात का डर था। आ जाओ। सॉरी डॉक्टर मुराद, नूर आपसे मिलने के लिए जिद कर रही थी डॉक्टर, ये बहुत परेशान हो रही थी इसलिए मैं इसको यहाँ ले आया। अरे इसमें माजरत की कोई बात नहीं, इधर आइए। पापा हमने मुझे कहा था ना कि जब भी दिल चाहे मैं यहाँ पे आ सकती हूँ। जी बिल्कुल कहा था मैंने, बहुत शुक्रिया मलिक। आई बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। फरहत मेरी जान, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या पूछ सकती हूँ? अगर तुम जान नहीं कहो तो पूछ सकती हो, पूछो। ठीक है, अगर मैं अपना नाम बदल कर शीरी रख लूँ तो जैसे फिल्मों में होता है, यानी जैसे शीरी और फरहाद, हमारा शीरी और फरहाद होगा। असल तुम ये क्या फजूल बातें कर रही हो, आखिर इन सब बातों का नामों से क्या कनेक्शन है, नामों से क्या फर्क पड़ता है? अगर नामों से फर्क पड़ता तो मैं अपने पड़ोसी की बेटी शीरिन के साथ होता, ये सब नाम फिल्मों में अच्छे लगते। तुम्हारी पड़ोसी की बेटी का नाम शीरी है? ओह तो तुम्हारा प्लान मुझे अब समझ आया। सही बताओ तुम मुझे छोड़कर उसके पास जाने वाले थे ना? मजाक कर रही हो तुम, मजाक कर रही हो। आसले देखो समझने की कोशिश करो, इसका दूसरी लड़कियों से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो प्लीज कोई ड्रामा मत क्रिएट करो यहाँ, मैं थक गया हूँ। आसले मैं थक गया हूँ तुम्हारे रोज रोज के इस ड्रामे से, समझ रही हो ना? मैं बस चाहता हूँ कि हम दोनों अलग हो जाएं, मैं बोर हो गया हूँ इस तरह की जिंदगी गुजार के। अब खामोश हो जाओ, मैं तुम दोनों को इस तरह लड़ते हुए नहीं देख सकती। और ये बात तुम कह रही हो? देखो डॉक्टर सिन्हा, तुम मेरी बात को बिल्कुल मजाक मत समझो, ये एक सीरियस सिचुएशन है, मुझे इसे हल करना है, अब खामोश रहना। मिस्टर फरहत मुझे एक बात बताइए, क्या आपको आसले की आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आती? जरा देखिए इनकी आंखों में। देखा, तुम्हारे अलावा सबको नजर आता है मेरी आंखों में। मिस्टर फरहत आखिर आप समझते क्यों नहीं कि आसले आपसे मोहब्बत करती है? एक मिनट, तुम एक्चुअली मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। डिस्टर्ब? और मैं? हाँ बिल्कुल, तुम डिस्टर्ब कर रही हो मुझे। डॉक्टर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं बल्कि मैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ। हाँ तो मिस्टर फरहत, ये अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि ये सूरत हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मगर क्या आपने कभी इनसे पूछा कि ये ऐसा क्यों करती हैं? अगर आपने इनसे कभी पूछा होता तो आपको मालूम होता कि ये आपसे कितना प्यार करती हैं, और ऐसा वही कर सकता है जो किसी से बे इंतहा प्यार करता हो। एक बात बताइए, आपके इस रिलेशनशिप को कितने साल हो गए? दो साल। इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों 2 साल से एक साथ हैं। तो बताइए मुझे मिस्टर फरहत, अगर मिस आसले एक अच्छी औरत ना होती तो आप इनके साथ 2 साल क्यों रहते? और बगैर प्यार के 2 साल साथ रहना बहुत मुश्किल है, सच्चा प्यार सबके नसीब में नहीं होता। हाँ ये सच है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि छोटी छोटी बातों पे ब्रेकअप कर लिया जाए। इसलिए आप लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ब्रेकअप ही हर मसले का हल नहीं होता, ये आप जानते हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों को अपने रिलेशनशिप को सेकंड चांस देना चाहिए। बस मुझे और कुछ नहीं मालूम। क्या मतलब आपको नहीं मालूम मिस्टर फरहत? मेरी बात सुने, आप बस मिस आसले की आंखों में देखें और इन्हें साफ साफ बता दें कि आप मिस आसले से कितनी मोहब्बत करते हैं और इन्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते। जरा सोचें, ऐसे मौके इंसान को बार बार नहीं मिलते। यार नैना तुम ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शर्त जीतने के लिए कर रही हो। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं ये सब शर्त के लिए नहीं, बल्कि मेरा मकसद तो इन दोनों को मिलाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है।